हेलो, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज का एक नया ब्लॉग है घर से। तो हो क्या रहा है, श्रीनगर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मैंने एक्सपेक्ट ये किया था घर में भी थोड़ा ज़्यादा गर्मी होगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे गर्मी थोड़ा कम है, यानी बहुत कम है। पीछे देखोगे तो अंगीठी में पानी रखा है गर्म करने के लिए, तो गर्म पानी से नहाने का मौसम अभी भी चल रहा है हमारे गाँव में, यानी पहाड़ों में। तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मेरे तो ठंड से ना सुबह उठ के हाथ के रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं, शाम को भी ऐसा ही हो रहा है कि ठंडा बहुत ज़्यादा है, गला भी जाम हो चुका है ठंड की वजह से। तो मतलब पहाड़ों में अभी वो मौसम नहीं आया है, दिन में थोड़ा बहुत गर्म है लेकिन सुबह शाम ठंडा है। तो आइए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, पहाड़ों से कुछ बात करते हैं, पहाड़ों से एक नई मुलाकात करते हैं, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू नमस्ते गढ़वाल ब्लॉग्स। तो अभी अंगीठी में पानी रखा है गर्म करने के लिए, तो पानी गर्म करने के बाद नहाना पड़ेगा और नवरात्रि का लास्ट दिन है, तो आज जो है मंदिर में जाना पड़ेगा। गाँव वालों ने सबने मंदिर में पाठ रखा है, यानी हरियाली डाली हुई है, तो नवरात्रि का पाठ होने वाला है। तो आज अंतिम दिन है, तो आज सबके लिए खाना वहीं होगा, तो वहीं पे ब्लॉग शूट करेंगे। तो चलिए जल्दी से पानी गर्म करते हैं। तो आज नवरात्रि है और धूप जो है काफ़ी अच्छी खिल चुकी है। तो अभी जो हमारे गांव का मंदिर है ना, ज्वालपा देवी टेम्पल, वहां पे जो है आज नवरात्रि का अंतिम दिन का पाठ है। तो मैं जो हूँ तैयार होके नहा धोके बिल्कुल मंदिर में जा रहा हूँ। तो आज सब गांव वालों के लिए वहाँ पे खाना होता है, तो मैं आज वो जिम्मा उठाने वाला हूँ, यानी मैं सोच रहा हूँ कि मैं खाना बनाऊँगा, ठीक है। और खाना कैसा बनेगा उसका इंतज़ार रहेगा, उसके अलावा पूजा पाठ सब कुछ होगा। तो सबसे पहले मंदिर पर चलते हैं। बैग मैंने पीठ पे लगा ही रखा है, तो इस बैग में जो है मंदिर का सामान है, बाकी कुछ सामान दूसरे हाथ पे। तो मंदिर में चलते हैं और वहाँ पे जो भी तैयारी करनी होगी वो तैयारी करते हैं। देखो यार, गांव से टहलते अब हम मंदिर में जा रहे हैं। दरअसल हम थोड़ा रोड पे गए थे, काम था कुछ, और आजकल ना आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, वो है हरियाली। आजकल ना बसंत का टाइम है, तो आजकल जो है सारे पेड़ों पे नई कोपले आती है, और इस टाइम पे मेई निजारू इन चीज़ों की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई देती है। और जो पहाड़ों का मौसम है ना, जो पहाड़ों का फील है, प्रकृति है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहती है आजकल घूमने के लिए, क्योंकि आजकल पहाड़ों में जगह जगह फूल वगैरह सब मिल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खिले हुए रहते हैं, तो इसीलिए। और हमारा जो मंदिर है वो है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे है। तो वहाँ पे आग वगैरह भी जला दी है, जो मम्मी और ये हैं वो काम भी कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं मंदिर में, धूप से हट के, आग से बच के। थोड़ा सा मैं ना मंदिर के पंचायती भवन, यानी मिलन केंद्र, हमारी भाषा में बोलते हैं मिलन केंद्र, पंचायती भवन पे बैठा हूँ। और यहाँ पे ना मंदिर का बाकी सारा सामान है, पाइप है, चेयर्स हैं, और मंदिर का बक्सा है जिसमें जो है मंदिर का सामान है, पीछे दरी वगैरह है, और हमारा वाद्य यंत्र है ढोल, जो मैंने वहाँ रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चाय पीने के लिए बैठा हूँ। गर्मी को गर्मी ही मारती है ऐसा सुनने में आता है, लेकिन हम हमेशा ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ नया गर्मी को मारने की, और अभी वही ट्राई कर रहे हैं। तो पूरी लगभग बन चुकी है, ऐसा करेंगे कि मैंने बनाने हैं छोले। आज मैंने बोला मैं सबको अपने हाथ के छोले खिलाऊंगा, क्योंकि मुझे कुकिंग पसंद है, सबको पता है। सोचा था मैं छोले बनाऊंगा, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि इन्होंने छोले में बहुत ज़्यादा पानी रख दिया है, और छोले बिल्कुल अलग हो चुके हैं और पानी अलग हो रहा है। तो पहले छोले को बारीक करना पड़ेगा, ऐसे बहुत गलाना पड़ेगा, उसके बाद जाके पानी और छोले मिक्स होगा, फिर खाने में मज़ा आएगा पूरी के साथ। तो पहले मैं इनको ऐसे करछी से बिल्कुल बारीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसमें आलू भी डाले हुए हैं, तो दोनों अगर बारीक हो जाए ना, उसके बाद मिक्स हो जाएंगे बिल्कुल पानी के साथ। मेरी ड्यूटी थी छोला बनाने की, और लगभग तैयार है छोले, क्योंकि ना
मैंने बोला था कि आज छोले मैं खिलाऊंगा सबको, और मैंने सोचा था कुछ अलग, कुछ स्पेशल, कुछ बढ़िया बनाऊंगा। तो लगभग तैयार है छोला, तो अभी ना कुछ देर इसको थोड़ा सा उबलने देते हैं ढंग से, उसके बाद भगवान माँ देवी के पास चढ़ाते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम हल्का सा इसको टेस्ट करेंगे, इसमें नमक वगैरह जो भी कम हो रखा होगा। बाकी सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब अपनी बातें कर रहे हैं, पंडित जी आने का देर है, पंडित जी को थोड़ा आने में टाइम लगेगा, जो पूजा करने वाले जो अंकल जी। तो तब तक ये बिल्कुल छोले तैयार हो जाने चाहिए। दिन के 2:30 बज रहे और अब जाके पूजा कंप्लीट हुई है। तो पूजा तो मंदिर में कंप्लीट हो चुकी है, और हमें जो है ड्यूटी मिली है नई भैरव भूतनाथ मंदिर में जाना है और वहाँ पे पूजा करनी है। तो हर साल ऐसा ही होता है, जब देवी के पास ना पाठ रखा जाता है तो इन दोनों टेम्पल्स में भी पूजा की जाती है, तभी जाके पूजा सफल मानी जाती है। तो हम दोनों निकल चुके हैं मंदिर के लिए, और यहाँ गधेरे गधेरे से जाना पड़ रहा है, तो चलते हैं और पूजा करते हैं, फिर जल्दी से मंदिर भी आना है, सबको खाना भी खिलाना है, बहुत सारे काम है। तो अभी हम हैं भूतनाथ टेम्पल पे, यहाँ पे नवीन जो है पूजा करेगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉग शूट करूँगा। तो यहाँ पे पूजा निपटानी है शॉर्ट में, उसके बाद जाना है दूसरे टेम्पल, यानी जो है ये बड़ा वाला पेड़ है, इसके नीचे काफ़ी नीचे गाला गांव से नीचे, फिर हमें गांव के बीच से होता हुआ फिर से टेम्पल पर आना पड़ेगा। और आजकल आपको एक ब्यूटीफुल सी चीज़ दिखाता हूँ। तो बसंत ऋतु के टाइम पे हर जगह आपको पहाड़ों में फूल मिल जाएंगे आजकल, और आजकल जो है फूल बहुत ज़्यादा खिलते हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही फूल देवी का त्यौहार कंप्लीट हुआ है, और अभी भी आपको बहुत सारे फूल मिलेंगे, यानी बुरांस वगैरह बहुत सारे फूल मिल जाएंगे। तो अभी जो है यहाँ पीछे देखो, अगर आपको रेड रेड दिखाई दे रहे तो वो सारे फूल खिले हुए हैं, और बहुत सारे फूल हैं, उनको बोलते हैं धोलू हमारी लैंग्वेज में। तो ये फूल ना बहुत सारे मिल जाएंगे, उसके अलावा बुरास तो इस वाली साइड होते नहीं है, दूसरी वाली साइड होते हैं, तो इस वाली साइड में खाली ये वाले फ्लावर, उसके अलावा दूसरे होते हैं मोह के फूल वगैरह, दूसरे टाइप के फ्लावर, और जो होते हैं वो होते फेली पीली पीली फूल, और छोटे छोटे यहाँ पे अभी हो दे रखे, अगर होते तो मैं आपको दिखाता ज़रूर मैं। और ये वाला मोह का पेड़ है जो ज़्यादा ग्रीन है, ये वाला तो बहुत सारे, और इसके पीछे काफल के पेड़ है। तो अब कुछ टाइम बाद काफल खाने का टाइम भी हो जाएगा स्टार्ट, यानी मई जून में बहुत ज़्यादा काफल होते हैं, उस टाइम पे जंगलों में जाना पड़ता है काफलों को लेने के लिए। तो मौसम जो है पहाड़ों में ना खूबसूरत होता है। अब कुछ टाइम बाद कुछ फ़ोटोशूट करने के बाद अभी हम निकले हैं भैरवनाथ मंदिर के लिए। तो जो आपको नीचे ग्रेट पेड़ दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे भैरवनाथ का टेंपल है, और वहाँ पे जाना है, वहाँ पे पूजा करनी है। अब देखो हम ऊपर से गांव के जस्ट पास आ चुके हैं, तो यहाँ से जो है फिर हमें घूम के ऊपर मंदिर में जाना पड़ेगा, यानी खाना खाने के लिए। तो यहाँ से मैं लूँगा शॉर्टकट छोटा सा, ताकि जल्दी पहुँच सकूँ। यहाँ पे पूजा ख़त्म हो चुकी है, और हमने दीपक वगैरह सब जला दिया है, धूप वगैरह सब जला दी है, और अब हम चलते हैं मंदिर की ओर, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो ये हमारे भैरव बाबा का मंदिर है छोटा सा, तो अभी चलते हैं या निकलते हैं। जय हो बाबा जी। जब तक हम भूतनाथ से मंदिर में आते तब तक सबका खाना हो चुका था, क्योंकि हम एक्चुअली वह पूजा कम्प्लीट करके ही निकले थे, तो इसलिए सब ने खाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जो माता ताई जी और ये हैं वो 9 दिन से नवरात्रों के व्रत थे उनके, तो इस वजह से भूख भी लग गई होगी यार, क्या बोले। तो हम तो जब तक हम आते सबने खाना खा लिया था, तो हमने भी फटाफट खाना खाया, फिर हम भी निकल गए, और अभी जो है मंदिर से घर के लिए निकलते हैं। और आज जो है नवरात्रि का फेस्टिवल था, तो ये वाला ब्लॉग ना
मतलब हमारे कल्चर से रिलेटेड था कि जो हमारा कल्चर होता है उसमें हम नवरात्रि कैसे मनाते हैं। एक्चुअली में गाँव में ना सब लोग ऐसे ही करते हैं जैसे शहरों में होता है कि क्या कहते हैं घर घर में रखा होता है नवरात्रि का पाठ, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे ये होता है कि सब लोग ना कम्बाइंड करके जो हमारी आराध्य देवी होती हैं वहाँ पे पाठ रखते हैं और वहीं पे पाठ रखा हुआ था। तो अब जो है यहाँ से घर चलते हैं। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए लेते हैं आप सभी लोगों से अलविदा, और अंत में वीडियो को एंड करते हुए एक ही बात बोलूँगा, लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम और अपने सपनों को पूरा कीजिए।